अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब भी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा ये ब्लॉग है तैफ प्लस जद्दा, और क्लिप्स देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये तैफ की पहाड़ियाँ हैं। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं तैफ, और तैफ से फिर हम जाएंगे जद्दा। तो दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ दिखाऊँगी अपने इस ब्लॉग में। और ये खूबसूरत सा जो मंज़र है, ये तैफ का है, ये हदा की पहाड़ियाँ हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सर। तो ये हमारी तैफ और जद्दा दोनों ट्रिप है। जब हम गए थे नेशनल डे के करीब, तो हमने नेशनल डे के लिए भी कुछ क्लिप्स डाली हैं। और बाकी हमारे सलमान फार्म, दिस इज फार्म एक्चुअली स्ट्रॉबेरी फार्म, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, आई शो यू। ये बहुत ही प्यारा सा फार्म था सलमान नाम से, किंग सलमान। और यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं और कैफेटेरियाज हैं, सिटिंग एरिया है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। तैफ में थोड़ा अंदर जाके इंटीरियर में था। और ये आ गए हम हदा पहाड़ियों की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है तैफ। सालिया जो है हॉर्स राइडिंग कर रही हैं और खूब मज़ा कर रही हैं। सालिया जब भी तैफ जाती हैं या कहीं भी हम लोग इस तरह के वेकेशन पे आते हैं, यानी तो जाते हैं, हॉर्स राइडिंग ज़रूर करती हैं, तो बहुत पसंद है। और ये देखिए, अचानक से हमारे ऊपर ना मंकीज़ ने हमला कर दिया। थोड़ा दूर थे ये लोग, लेकिन हम डर गए थे। तो फिर हमारा कैमरा भी हिलने डुलने लगा और हम सब अंदर आकर ना गाड़ी में जल्दी जल्दी बैठ गए। ये पूरे झुंड में थे, फिर चले गए। और फिर हमने यहाँ से इंजॉय करके बाहर दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं। आगे हम जद्दा जाएंगे। ये देखिए, अब हम लोग ने खूब इंजॉय किया बोट्स के ऊपर। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। ये हमने एक बोट ली थी जिसपे सब हम एक साथ बैठे थे, और ये बोट पूरी फैमिली के लिए होती है। हीरो, इनका डांस एक बार पेश करिए, एक 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 आइटम पेश करिए। लुक एट दैट, वैसे मेरा बोट्स पे कैसे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। बोट पे समंदर की सैर करना इतना मज़े का सीन था, बता नहीं सकते। साले को देखिए कैसे इंजॉय कर रही हैं। माशाल्लाह, हम सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद भी एक बार हम लोग गए थे यहाँ पर, तो हम लोग बोट्स पे दोबारा भी बैठे थे। और ये बोटिंग करना
समंदर में हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये हम आ गए जद्दा बीच पर। ये उबूर वाली बीच है और इसके पास ही ये माइल टावर भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे शिप और याचेस चलते रहते हैं। जो हमारा वाला था वो भी इसी साइड के आगे था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बोट हाउस हैं राइडिंग करने के लिए। और अफराज और सालिया को तो यहाँ स्विमिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये हम हैं कॉर्निश पे, जद्दा कॉर्निश है। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। चारों तरफ यहाँ पे गार्डन है। पूरा जो एक लाइन गई है इसकी सी की वहाँ बलद से और यहाँ उबूर तक, बहुत ही प्यारा कॉर्निश है। ग्रीन लाइन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और साले अपने पापा के लिए फ्लावर निकाल रही हैं। हालाँकि मैंने मना कर रही थी कि नहीं करें, लेकिन साले कहाँ मानने वाली। और ये इसकी हाई राइज बिल्डिंग्स है। यहाँ का जो नज़ारा शाम का होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, समंदर किनारे का। ये देखिए सनसेट हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे भी निकाला और यहाँ पे हमने एंजॉय किया। तो जद्दा हम जब भी जाते हैं तो ये जो दो तीन जगह हैं वो तो हम नहीं मिस करते कभी भी। और ये यहाँ पर अल सलाला पार्क के पास का ये कॉर्निश है। यहाँ पर जो है ना, जो समंदर की लहरें होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। आज मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। ये देखिए इनको टॉफ़ी मिल रही है। ओकेजन जो है ना वो नेशनल डे का था, इसलिए काफ़ी सेलिब्रेट हो रहा था हर जगह। सालिया खाना भी शुरू कर दिया। ये देखिए, बताया ना आपको समंदर की लहरें कितनी खूबसूरत हैं। शाम के वक्त यहाँ पे खड़े होना, हालांकि सितंबर का टाइम था और गर्मी होती है, लेकिन मौसम देखिए कितना अच्छा है। हवा तेज़ चल रही है, लहरें हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो जद्दा बहुत पसंद है और कॉर्निश पे आना तो और भी ज़्यादा। वी नेवर मिस गोइंग हियर। करती हूँ पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करिए,
कमेंट्स करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, कोई मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।